रायगढ़ सांसद गोमती साय एवं भाजपा प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने पंचायती धर्मशाला में आयोजित प्रेस वार्ता में लव जिहाद को लेकर रायगढ़ में भी केरला स्टोरी घटित होने का गंभीर आरोप लगाते हुए जारी संयुक्त बयान के कहा कि रायगढ़ की बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। भाजपा ने इस मामले पर कार्रवाई को लेकर पुलिस प्रशासन पर शिथिलता का आरोप भी लगाया। ओपी चौधरी ने इस मामले में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर न्यायिक जांच कमेटी SIT के गठन की मांग करने की बात कहते हुए प्रभावित परिवार को 1 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति के अलावा अभियुक्त पर लव जिहाद के मामले सहित हत्या, भ्रूण हत्या, बच्ची के अपहरण समेत प्रताड़ना का मामला दर्ज कर कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग भी की है। मैं कुमारी राखी चौहान, मैं दानिश के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि वो साल भर मुझे अपने साथ में एक संबंध बना के रखा था, लेकिन कभी मेरे साथ शादी नहीं किया। आज उसकी वजह से मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे हर जगह जगह से चोटे मिलते जा रही हैं। वो इंसान शुरू से मारता था, प्रताड़ित करता था, कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। उसे ये बीवी थी, लाइफ शादी से दबा रही थी, तो मुझे शुरू में छोड़ देता। मैं भाग के आई तो मैं बच्ची से मुझे समझा सकता था। मेरे पूरे फेस में उसके मार्क के अभी तक दाग रखे हुए हैं, उसके हाथ के काटने का निशान रखा हुआ है। मुझे न्याय चाहिए। वो किसी भी हाल में मुझे परेशान ना करे, वो हर वक्त हर जगह हर समय आज तक मेरे को प्रताड़ित करता कि मैं उसकी ज़िंदगी से क्यों गई। मेरी भी लाइफ है, जब वो शादीशुदा इंसान बन सकता है तो मैं उसके बिना भी तो रहना सीख सकती हूँ ना। सर, कोई भी इंसान, कोई भी लड़की एक हद तक मार खाती है। वो एक मुसलमान था, वो मेरी बातों को कभी नहीं समझा, तो कहाँ की बातों को सुनता होगा। मुझे न्याय चाहिए सर, बस न्याय चाहिए। अब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस कर ली सर, मैं अभी चल भी नहीं सकती। मैं अगर मर जाऊँगी तो मैं किसके पास जाऊँगी मर के? मेरे भैया भी मेरे से ढंग से बात नहीं करते सर। तो अब एक मेरी एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध करती हूँ कि दानिश खान को प्लीज कड़ी से सजा दिखाएं। वो हर बार हर बीच मुझे कॉल किया है, उसकी कॉल की रिकॉर्डिंग्स भी मेरे पास है सर। अभी वाली नहीं है, पुरानी वाली है। मेरे को उससे कोई सा बात नहीं रखना सर, मेरे को बस उससे अलग होके रहना, वो नहीं अलग होने देता हूँ। धन्यवाद सर, मुझे इंसाफ चाहिए सर। मैं एक कन्फेशन और करना चाहूँगी। उसके साथ रहते रहते मेरा एक बेबी था, वो भी 2 दिन ही मेरे साथ रहा था। फिर तीसरे दिन हम लोग घर जा रहे थे, वो मेरे को बता दिया था उसको दे दूंगा, लेकिन तब भी बोलता था चल नहीं देंगे, तेरे साथ में रखेंगे घर के। और मैं हॉस्पिटल में ही थी तो मेरे से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उन लोगों ने साइन करवाए थे, और सर वो बेबी उसी रात को दे दिया। तो बहुत रोई थी सर, चिल्ला चिल्ला के, लेकिन एक बार भी ये नहीं बोला कि कल ला के दे दूंगा और तुम्हारे साथ रखूंगा सर, कभी नहीं बोला। एक रूम में मेरे को ताला लगा के जाता था सर। सीजर में मेरी बीबी हुई थी, उसको एक बार भी मेरे ऊपर तरस नहीं आया सर, बल्कि आगे मैं ये बोलती थी कि तुम बच्ची हो, कब लेके आओगे, जल्दी ले आओ, मेरे को अच्छा नहीं लगता। वो बेबी को दे दिए ना, और कितने बार लाएंगी। फिर एक दिन ये भी बोला सर, क्या तेरी बेबी का जलसा हो रहा है, तू भी दारू पी बैठ कर करके। और दूसरी बात ये सर, मैं घरांत लड़की हूँ सर, मेरे रियल पेरेंट्स नहीं है, ये लोग मुझे रियल पेरेंट्स से भी बढ़कर प्यार दिए, आज भी मेरा सपोर्ट करते हैं सर। और प्लस ये भी कि मैं इतनी गलतियों करने के बाद भी मेरे पेरेंट्स आज मेरे साथ सपोर्ट है। मम्मी नहीं है सर मेरी, भाभी, पापा और भैया है बस, इसके अलावा कोई नहीं है सर। प्लीज़ सर, मेरे को जितना हो सके उतना उस लड़के से दूर करें। बीच में ही कॉल करके परेशान किया था, दूसरे दूसरे लड़कों को मारता था, उन्हें मेरे को फ़ोन करके बोलते थे तेरा दानिश भरम भरमता है तेरे लिए। सर ये मेरी लाइफ में, मैं कुछ भी करूं, दानिश अब भी मेरे पीछे पड़ा है, प्लीज़ सर उसको मना कर दीजिए। मेरे आगे पीछे कोई नहीं सिवाय मेरे चौहान फैमिली के। सर एक और बात सर, मेरी माँ है बस, मेरे भाई है और मेरी भाभी है। मेरा भाई मुझे अभी कुछ दिनों से पसंद ही नहीं करता था, आज देखिए जब मेरा तबीयत ख़राब है मेरा भाई मेरे लिए दौड़ते आया है।
उस दाने से मतलब थोड़ी फर्क पड़ता है, तो रिलीज करके छोड़ दिया। माँ बाप में से बाप ही है, मेरी माँ भी एक्सपायर कर दी, थोड़ा सा उसके लिए कॉपरेट कर दिया। मैं उसे कभी नहीं रहती थी, उसकी वजह से ऐसा करना हो, हर किसी को फ़ोन करके मैसेज करके बोलता है कि तुम लोग राखी के साथ क्यों घूमते हो, सही है मेरी जिंदगी, मैं किसी के भी साथ घूमूँ, मेरी फैमिली मना नहीं की आज तक, वो कौन होने वाला है सर, देख लीजिए सर मेरे हाथों में कैसे हो गया मेरा हाथ, सेकेंड वाला हाथ देखिए सर, ये उसकी वजह से काटना पड़ गया था सर, ये देखिए बहुत मारा है सर, मेरा सर सूच गया, ये बचपन का है, ये अभी अभी कभी भी कहीं पे भी कपड़ा खोल के मारना, उसका बेल्ट से मारना, वो इंसान किसी औरत के साथ रहने लायक नहीं है। तानी सर बहुत बेगा इंसान सर, मुझे इंसाफ दिला दीजिए बस, मुझे जीने नहीं दे। लव जिहाद की केरल स्टोरी फिल्म में पूरे देश ने देखी, आज लव जिहाद की छत्तीसगढ़ स्टोरी हमारे रायगढ़ में दुखद तरीके से घटित हुई है। अनुसूचित जाति की बहन राखी चौहान के साथ लव जिहाद की घटना हुई है दानिश खान के द्वारा। उसने पहले उसे प्रेग्नेंट किया, लो क्लास से वो फिर चली गई, फिर उसके बाद एक बच्ची का जब जन्म हुआ तो उसे भेज दिया गया या गायब कर दिया गया, हत्या कर दी गई, इस तरह की आशंका उसके पीड़िता के परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाया है। इसके पश्चात पीड़िता के परिवार ने कहा है कि पुलिस की जांच पर उसे भरोसा नहीं, इसलिए न्यायिक अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन हो और हाई कोर्ट के निगरानी में जांच की प्रक्रिया को चलाया जाए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने 1 करोड़ रुपया अनुसूचित जाति के उस गरीब परिवार के लिए सहायता राशि की मांग की है, कल मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय मांगे हैं। अगर 302 का FIR नहीं होता, सारे धाराओं में 311, 312, 313 में नहीं होता, SIT का गठन नहीं होता, अगर मुआवजा नहीं दिया जाता, सहायता राशि नहीं दी जाती, तो भारतीय जनता पार्टी सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए विवश होगी।